मैं सोचता हूँ कि एसओजी ने जब से इसकी जांच शुरू की और जिसका एक के बाद एक जिस प्रकार से खुलासा आता जा रहा है, वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित कर ही रहा है प्रारंभ से ही कि निश्चित रूप से इसमें पेपर आउट हुआ है, पेपर के लेन देन हुए हैं। और अब तो जब आपका शिक्षा संकुल में ही जिनको आपने जिम्मेदारी दी उन्होंने ही पेपर निकाल दिया, तो निश्चित रूप से सरकार पर ही जिम्मेदारी जाती है, क्योंकि इतने दिन तक आजू बाजू देख रहे थे। प्राइवेट लोगों को अगर आपने वहां लगाया तो किस अधिकार से लगाया, और अगर आपको विश्वास था कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमको सही रिजल्ट देंगे, तो अब तो खुल गया कि उन्होंने ही चोरी की। तो निश्चित रूप से बोर्ड का अध्यक्ष ही केवल इसमें दोषी नहीं है, पूरी सरकार इसमें दोषी है जो इसको दबाने का प्रयास कर रही है। मैं सोचता हूँ 16 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी है उनके भाग्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। पहले तो परीक्षा समय पे होती नहीं, बीच में फिर तारीखें बदल जाती है, और लंबे समय बाद अगर परीक्षा होती है तो उसकी ये दुर्गति हो जाती है कि उसके कारण से सारा 16 लाख बच्चा आज असमंजस की स्थिति में है। मैं सोचता हूँ अब तो लगभग प्रमाणित हो गया कि पेपर का लेन देन हुआ, पेपर कई जगह पर गया है, कई जगह पर बटा है, तो निश्चित रूप से इस परीक्षा के बारे में भी संदेह के सारे चिन्ह सामने दिखने लग गए।